रंजिता, आप जब कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश कर रही थी, सबसे मौजूद सवाल आपने उठाया कि क्या जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अमेठी की सीट छोड़कर भाग गए इस डर से कि हार जाएंगे, तो कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध, तो क्या यही जवाब है इस सवाल का, या इसके आगे भी कुछ और प्लानिंग हो सकती है कांग्रेस पार्टी की जो सवाल के जवाब में कुछ कहें? बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल सिर्फ प्रियंका गांधी से नहीं बल्कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी हमने की, रॉबर्ट वाड्रा से भी हमने सवाल करने की कोशिश की, और वो सवाल जो लगातार सबके जहन में है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी और रायबरेली का फैसला क्यों लिया गया। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ देर में पहुंचेंगे, और हम कह सकते हैं कि एक ग्रैंड नॉमिनेशन की तैयारी कांग्रेस पार्टी की अमेठी में भी और रायबरेली में भी। आप बताएं कि क्या कुछ तैयारियों की अगर बात की जाए, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने रखी है रायबरेली में जब राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे? देखिए, पहले तो बहुत उनका स्वागत होगा, क्योंकि आवाम बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि टिकट फाइनल हो, कंफर्मेशन मिले, और वो भव्य स्वागत होगा, रोड शो होगा भव्य, ये तैयारी है। हाँ। और ये जो बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से पीठ दिखाकर भाग गए, इसका जवाब है? पीठ दिखानी होती तो वो रायबरेली क्यों जाते, और रायबरेली उनकी माँ की सीट है, तो जब माँ ने सीट छोड़ी है तो बेटे को आगे आना चाहिए। इस तरीके से राहुल गांधी जी ने रायबरेली को चूज किया है, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और ये जो अमेठी में जो केएल शर्मा को उतारा गया, ये क्या कहा जा रहा है कि हार जाएंगे? केएल शर्मा जी करीब 25 सालों से रायबरेली और अमेठी की जनता की सेवा करते रहे, सारी कार्यकर्ताओं से वाकिफ है बहुत अच्छे से, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि जिस आदमी ने इतनी उम्र अपनी पार्टी को दी है उसको पार्टी ने यहाँ से कैंडिडेट उतारा है। ठीक है रंजिता, मतलब कार्यकर्ता जो है वो राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बहुत उत्साहित है, लेकिन एक सच ये भी है कि अमेठी में तो बकायदा पोस्टर लगा दिए गए थे कि राहुल गांधी आप यहां से चुनाव लड़िए, और वहां के कार्यकर्ता चाहते थे कि गांधी परिवार का ही कोई कैंडिडेट हो। अब वहां के कार्यकर्ताओं के रिएक्शंस क्या होते हैं देखने वाली बात है। मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं रंजिता, गौरव हमारे साथ दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं, दिल्ली में तमाम रणनीतियां बन रही हैं। गौरव, जिस तरह से अभी तक तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे, केएल शर्मा अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे क्या, अगर आप टैक्टिक्स समझा पाए कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है, क्योंकि लोग तकरीबन यह तय मान रहे थे कि प्रियंका और राहुल हो सकता है कि दोनों उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हो। देखिए, सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर हमने दर्शकों को जानकारी दी थी कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में नहीं आएंगी और वो खुद को संगठन के कामों में और चुनाव प्रचार में रखना चाहती हैं। सवाल बड़ा ये था कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे या रायबरेली जाएंगे, या वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बार बार जब उनकी पार्टी की तरफ से ये दबाव बनाया जा रहा था तो उन्होंने यही कहा कि मैं वायनाड सीट नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसे में अब जाहिर तौर पर जो हमने खबरें चलाई थी उसके मुताबिक राहुल गांधी सबसे पहले अमेठी इस वजह से नहीं जाना चाहते थे, पहला तो ये कि अगर वो पिछली बार की हार के बाद इस बार जीतते हैं तो उन्हें सीट छोड़ना पड़ेगा, जो कि ठीक मैसेज नहीं जाएगा। दूसरा, इस पूरे चुनाव के नैरेटिव को वो स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी नहीं बनाना चाहते थे, और शायद अब रायबरेली चले जाने से उस नैरेटिव का अंत हो गया है, जो कि शायद भारतीय जनता पार्टी चाहती भी थी कि अगर स्मृति ईरानी एक तरफ बोलती है और राहुल गांधी जवाब देते तो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव का जो डिस्कोर्स है, जो चर्चा है, वो वहीं चली जाती। तो किशोरी लाल शर्मा को चुनकर ये मैसेज दिया गया है कि हम उस सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, राहुल गांधी अपनी माँ की सीट को आगे बढ़ाएंगे, और इन दोनों ही सीटों पर प्रचार का जिम्मा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी निभाएंगी, और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता उतनी ही है जितनी गांधी परिवार के बाकी सदस्यों की है। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई है, और ये पार्टी का जो अपना ये मामला और मसला है वो बहुत सोच समझ के तय किया गया, और बाकायदा इसमें कांग्रेस अध्यक्ष क्या होता है, क्योंकि अगर आप रायबरेली की बात करें तो पिछली बार जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा उसके बावजूद रायबरेली की सीट बचाने में सोनिया गांधी कामयाब रही, इस बार क्या राहुल गांधी वैसा कर पाएंगे, और अमेठी क्या वापस, क्योंकि ये गढ़ माना जाता था पहले भी कांग्रेस पार्टी का, यहां से राजीव गांधी कभी चुनाव लड़े थे, तो क्या इसे वापस कांग्रेस पार्टी अपनी इस रणनीति के साथ ले पाएगी, ये देखने वाली बात है।